हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग भी ठीक ठाक ही होंगे। तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है और अभी हो रहा 6:30। तो मैं यहाँ झाड़ू से शुरुआत कर रही हूँ और बाकी मैंने किचन वगैरह साफ़ कर लिया है। बस नीचे मुझे झाड़ू पोछा करना है, तो बस ये मेरा झाड़ू हो गया और इधर जो है मेरा पोछा भी हो जाएगा। और मैंने सब कुछ डस्टिंग वगैरह कर लिया, किचन भी सब साफ़ हो गया है, तो बस मेरा पोछा भी हो जाएगा। उसके बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने। तो बस मेरा पोछा भी हो गया है और मैं यहाँ नहा के आ गई हूँ। तो बस मेरा डेली का वही है, टोनर और पॉन्ड्स ऑयल ब्यूटी क्रीम लगा लूँगी। बस मेरा हो गया सब। अब मैं यहाँ थोड़ा सिंदूर भी लगा लूँगी और अब मैं करने चल रही हूँ पूजा। तो बस मेरा हो गया सब, अब मैं फटाफट से पूजा भी कर लेती हूँ। तो यहाँ ना मैंने माता जी का दीपक वगैरह जला दिया और बस मैं आरती कर लूँगी। इधर पूजा करने के बाद जो है मुझे और थोड़ा बहुत जो काम है उसको करने के बाद फिर मैं जो है लंच बनाऊंगी। और इधर मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि लंच बनाने का टाइम हो गया है। तो इधर मैंने दाल चढ़ा दिया था, दाल हो गया है और मैंने आलू प्याज की भुजिया भी बना ली है जो नहीं दिखा पाई क्योंकि मुझे बहुत जल्दी था और फटाफट मैं जल्दी में खाना बना रही हूँ इसलिए नहीं दिखा पाई। तो बस ये दाल हो गया है और मैं चावल भी चढ़ा दूँगी और मैंने आटा भी लगा के रखा है, तो रोटी भी बनानी है तो फटाफट से मैं ये चावल डाल दूँगी। तो बस सिंपल सा ही मेरा लंच है क्योंकि डेली स्पेशल खाना तो नहीं बनता, नॉर्मल खाना ही बनता है। तो वही आज मेरा सिंपल सा है, दाल चावल आलू प्याज की भुजिया और रोटी। तो वैसे भी सिंपल और सादा खाना हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, तो बस आज मेरा वही बन रहा है। और इधर मेरा बाबू जो है लाइटर तोड़ दिया था तो मुझे माचिस से ही काम चलाना पड़ रहा है क्योंकि लाइटर मिल नहीं रहा है और मिलेगा भी नहीं जब तक लॉकडाउन है तो मुझे माचिस से ही काम चलाना पड़ेगा। तो इस पे मैंने ऑयल डाल दिया, दाल में मुझे तड़का लगाना है, आज सिंपल ही तड़का लगाऊँगी। तो इसको मैं जो है ऑयल गर्म होने के लिए रखूँगी। और इधर मैं जो है इसमें डालूंगी लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च। तो इधर मेरा ऑयल गरम हो रहा है और अब मैंने इसमें जो है लाल वाली मिर्च डाल दी। तो ये और मैंने इसमें थोड़ा सा साबुत जीरा भी डाल दिया, ये देखिए थोड़ा सा साबुत जीरा। और कुछ नहीं इसमें, बस लहसुन और थोड़ा सा अदरक पड़ेगा और कुछ नहीं, बस सिंपल सा ही है। तो बस वही मैं लहसुन और गई हूँ लेने, लहसुन और अदरक, क्योंकि मैं किचन में रखती नहीं हूँ और मैं वहाँ टेबल पे सब्जी वगैरह लगाती हूँ क्योंकि छिपकली वजह से मैं नहीं रखती हूँ किचन में। तो बस ये लहसुन और अदरक मैं जो है छिल के और कूट के इस तड़के में डाल दूँगी तो दाल हो जाएगा, दाल में तड़का लग जाएगा।
तो बस फटाफट से मैं ये कर रही हूँ। मैंने पहले अदरक थोड़ा सा बारीक बारीक काट के मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं ये जो लहसुन है उसको छील के और थोड़ा सा कूट लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसमें जो है ऑयल में डालूँगी, और जब ये थोड़ा रेड कलर हो जाएगा तो फिर मैं इसमें जो है दाल में तड़का लगा दूँगी। तो ये देखिए, तो बस मेरा फटाफट से खाना हो गया, और मैंने आटा लगा के रख दिया है। बस रोटी भी बनानी है, बस ऐसे दो चार फुलके बनाना है और कुछ नहीं। तो इधर मैं दाल में जो है तड़का लगा दूँगी, और इधर चावल भी बन रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बस दाल में तड़का हो गया और मैं फटाफट से रोटी भी बना लूँगी। तो ये सब जो गिरा है मैं वही साफ़ कर रही हूँ, और इधर मेरा लंच तैयार है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।